हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमएम टेक्निकल। दोस्तों, मैं आज आपको स्टार और डेल्टा का जो है पावर वायरिंग कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये हमने पहले आपको ड्राइंग के हिसाब से समझा देता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। ये हमारे पास ये कॉन्टेक्टर है मेन कॉन्टेक्टर के लिए, ये हमारे पास ऑन डिले टाइमर है, ये हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है, ये हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है। तो हम एक यहाँ पे लिए हैं, एक कॉन्टेक्टर, दो कॉन्टेक्टर, तीन कॉन्टेक्टर, ये ओवरऑल रिले है, और ये जो है हमारा टाइमर है, ऑन डिले टाइमर है, ये क्या है, टाइमर है, और ये जो है हमारा सिलेक्टर स्विच है, सिलेक्टर स्विच है जिससे हम ऑन ऑफ करेंगे। तो ये हमारा जो है, पहले आपको ड्राइंग के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, फिर आपको जो है प्रैक्टिकल करके भी बता दूंगा। तो ये सबसे पहले ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार्ट, ये हमने दो बल्ब लिया है ताकि स्टार में और डेल्टा में जब ऑन हो तो आपको पता चले कि कौन सा ऑन हो रहा है, कौन सा ऑफ हो रहा है, या स्टार डेल्टा के लिए आप इंडिकेशन भी ऐसा लगा सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि हम जो है कैसे इसको वायरिंग करेंगे, स्टार डेल्टा का हम जो है कैसे इसका कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें से हमको क्या क्या है, क्या करना है, एक न्यूट्रल लेना है। हमारे पास टू पोल एमसी भी है, यहां से आप न्यूट्रल लेंगे। न्यूट्रल क्या करेंगे, न्यूट्रल हम जो है सब में कॉमन करेंगे, कहां पे, ए टू में। ए कॉन्टेक्टर का देखो, ए एनओ है, एमसी है, ए वन है, NO है, NCA, A2 है। NO जो है मैंने ग्रीन में किया है और NC जितना है मैंने रेड में किया है, ताकि आपको कलर के हिसाब से समझ में आना है NO कौन सा है और NC कौन सा है। तो फिर यहां से हम इसको सीधा लेंगे, A2 में लूप करेंगे, यहां से ऐसे सीधा लेंगे हम, कहां पे, A2 में लूप कर देंगे। तो ये हमने न्यूट्रल लूप कर दिया, और एक न्यूट्रल लेंगे हम, क्या करेंगे इसको, एक ए बल्ब में, एक ए बल्ब में न्यूट्रल, ये हमने न्यूट्रल को जो है लूप कर दिया। अब हमको पावर के लिए एक फेज लेना है, हम टू पोल ब्रेकर लगाएंगे, टू पोल से हमको 220 का सप्लाई जी, हमारा 220 का कॉइल है तो 220 का हम सप्लाई लेंगे। तो 220 के लिए हम पहले इसमें से एक फेज वायर लेंगे सिलेक्टर स्विच में, कहां लेंगे, सिलेक्टर स्विच में, जिससे सिर्फ ऑन ऑफ के लिए सिलेक्टर स्विच लिया है। तो इसमें से एक लेंगे हम, सबसे पहले लेंगे इसमें से हम, इसमें से लेंगे किसको, इसमें जो एमसी पॉइंट है ओवरऑल रिले में, उसमें कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कर लिया। फिर एमसी के ओवरऑल रिले से हम जो लेंगे मेन कॉन्ट्रेक्टर के ए वन को लेंगे। ये क्या होएगा, जैसे हम सिलेक्टर ऑन करेंगे ए एनसी के थ्रू सप्लाई जाएगा ए वन में, ए वन कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाएगा। अब ए वन से हमको ऑन डिले टाइमर में लेना है, तो यहां से हम टाइमर के लिए लेके टाइमर को जो है लूप कर देंगे, एनओ और एनसी में लूप कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, हम पहले लेंगे यहां से, सबसे पहले हमको क्या करना है, कॉन्ट्रेक्टर कौन सा ऑन होगा, जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे मेन कॉन्ट्रेक्टर और उसके साथ में कौन सा स्टार वाला कॉन्ट्रेक्टर जो है ऑन होना चाहिए। तो हम इसको एनसी से लेंगे, एनसी से हम लेंगे, मैं ब्लू में लेता हूं आपको समझ में, एनसी से हम लेंगे, कहां लेंगे, पहले यहां के एनसी से हम लेंगे डेल्टा के एनसी में, ताकि ये क्या हो जाए, होल्डिंग के लिए, इकाई के लिए होल्डिंग के लिए, ताकि जैसे हमारा ये जब भी ऑफ रहे डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर तभी ये स्टार ऑन हो, अगर हमारा डेल्टा ऑन है और ये ऑन हो जाए तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसके लिए जो है हम इसको इंटरलॉकिंग करेंगे दोनों को, तो इसके एनसी से हम पहले लेंगे डेल्टा के एनसी में, डेल्टा के एनसी से हम लेंगे इसके ए वन में, किसके, स्टार के ए वन में, फिर स्टार के ए वन से ही हम लेंगे एक बल्ब को, ये हमारा स्टार के लिए कनेक्शन हो गया। फिर जैसे ही हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा तो
डेल्टा स्टार से हट के हमारा कहाँ आ जाएगा, डेल्टा में। तो हम यहां से जो लेंगे सबसे पहले कहां लेंगे, स्टार के एनसी में, इसके एनओ से, टाइमर के एनओ से लेंगे कहां पे, स्टार के एनसी में, स्टार के एनसी से लेंगे ए वन में, किसके ए वन में, डेल्टा के ए वन में, फिर डेल्टा के ए वन से एक हम इंडिकेशन के लिए दे देंगे। तो अब ये जो हमारा पावर वायरिंग जो हो गया, जैसे हम सिलेक्टर ऑन करेंगे तो हमारा मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाएगा और उसके साथ में जो है स्टार कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही टाइमर ऑन होगा तो स्टार बंद होके हमारा जो है डेल्टा ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले मेन के साथ में स्टार और ये वाला इंडिकेशन चालू हो जाएगा। जैसे ही स्टार से हमारा डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ऑन डिले टाइमर, तो वैसे ही फिर ये ऑफ होके ये ऑन हो जाएगा। तो हम इसको अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हमारे पास कॉन्ट्रेक्टर है, ये एक कॉन्ट्रेक्टर है, ये कॉन्ट्रेक्टर है, ये कॉन्ट्रेक्टर है और ये ओवर रिले है। ये हमारे पास दो बल्ब है, ये एक है और ये एक है। अब हम इसको कनेक्शन करेंगे तो आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर प्रैक्टिकल बताता हूँ। सबसे पहले हम जो है इसको न्यूट्रल ले लेंगे, यहाँ से पहले सबके A2 में कनेक्ट कर लेंगे, न्यूट्रल ले लेंगे यहाँ से। एनसीबी से हम कनेक्ट करेंगे कहाँ पे, इसके ए टू में, और इसके ए टू से एक लूप ले लेंगे, दोनों को हम लूप करके लगा देंगे। ए टू से हम ले लेंगे, फिर यहां से के ए टू में ले लेंगे एक लूप, ए टू में एक लूप ले लेंगे, ले लेने के बाद अब हम इसको यहां पर ए वाले कॉन्ट्रेक्टर के ए टू में हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया, अब हमको क्या है, न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया, अब हमको क्या करना है, फेज को कनेक्ट करना है। न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर लिया, यहां से लिया, इसके ए टू में इसके ए टू में, इसके ए टू में कनेक्ट कर लिया। और ये दोनों न्यूट्रल जो है ये भी हम डायरेक्ट यहां पे कनेक्ट कर लेंगे बल्ब का भी। कभी न्यूट्रल हम साथ में कनेक्ट कर लेंगे, हमने बल्ब का न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया। तो अब हमको फेज कनेक्ट करना है कहां पे, सिलेक्टर स्विच में, यहां से हमारा फेज आएगा सिलेक्टर स्विच में, सिलेक्टर स्विच में हम फेज को कनेक्ट कर लेंगे। सिलेक्टर स्विच कहाँ पे आएगा, मेन फेज आएगा सिलेक्टर स्विच में, जहाँ से हमारा ऑपरेट होएगा, ऑन ऑफ होएगा। ये हो गया, स्विच में आ गया।
रहेगा। सिलेक्टर स्विच से हमको कहाँ लेना है, एक वायर जो हमको लेना है यहाँ पे सिलेक्टर स्विच से, ये हो गया। हमको कहाँ लेना है, इसको लेना है ओवरऑल रिले के एनसी में। ओवरऑल रिले के कहाँ पे लेना है, एनसी में लेना है 95 96 में। फिर यहाँ से हमको एक ओवरऑल रिले के एनसी से हमको एक वायर लेना है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल तरीका है स्टार और डेल्टा का, जिसे आपको करना और सीखना जो है आसान हो जाएगा। हम जो है यहाँ पे ले लेंगे, इसके कहां पे लगाएंगे, यहां पे दो वायर लगाने का है, ये हमारा कहां जाएगा एक, इसमें लूप होने के लिए मैंने एक और वायर ले लिया है यहां से ही, जो हमको किस में लूप करना है ले लेंगे। ये कहां पे लगाना है, A1 में कनेक्ट कर लेंगे। A1 में हमने कर लिया, A1 से लेके टाइमर के एनओ और एनसी में लूप कर लेना है। ऑन डिले टाइमर के एनओ और एनसी में क्या करना है, लूप कर लेना है। लूप कर लिया हमने एनओ एनसी के, हमने लूप कर लिया। अब एनओ हम इसके एनओ से लेके जाएंगे कहां, एनओ से कहां लेंगे, इसके एनसी में, इसके एनसी से हम लेंगे डेल्टा के एनसी में हम वायर ले लेंगे, ब्लू वायर ले लेंगे। हम ले लेंगे एनसी से कर लेंगे डेल्टा के एनसी में, डेल्टा के एनसी में आ गया। अभी डेल्टा के एनसी से हम इसके A1 में लेंगे, डेल्टा के एनसी से हम कहां पे लेंगे, स्टार के A1 में, इसके एनसी से हम ले लेंगे, एनसी वाले कौन से ले लेंगे, कहां ले लेंगे, A1 में। ये जो A1 में हम लेंगे, A1 में हमको क्या है, एक इंडिकेशन वाला भी ले लेंगे, इंडिकेशन वाला भी ये वाला के साथ में हम A1 में लगा देंगे।
ओके वन मोर कनेक्ट कर लिया, हो गया। अभी ये क्या हो गया, हमारा स्टार वाला का सिस्टम हो गया। अब हमको क्या है, डेल्टा का करना है। डेल्टा का क्या है, इसके हमको एनो से लेना है, इसके एनो से हमको लेना है, इसके एनो से हमको कहा लेना है, स्टार के एनसी में, स्टार के एनसी में लेना है। फिर स्टार के एनसी से हमको डेल्टा के ए वन में लेना है। स्टार के एनसी से ले लेंगे, क्या है स्टार का एनसी है, स्टार के एनसी से हम लेंगे डेल्टा के ए वन में, और डेल्टा के ए वन में इसके साथ में क्या लगाएंगे, और डेल्टा का इंडिकेशन वाला वायर, डेल्टा के इंडिकेशन वाला वायर के साथ में हम लगा देंगे, ताकि डेल्टा का जब कॉन्टेक्टर ऑन हो वो इंडिकेशन जल जाए, तब आपको समझ में आएगी डेल्टा ऑन हो गया। ये देखिए, ये हो गया वायरिंग। हमने न्यूट्रल को डायरेक्ट ले लिया, सबके ए टू में कनेक्ट कर लिया, और बल्ब में कनेक्ट कर लिया, और फेज जो हमारा आया है पहले सिलेक्टर स्विच में, जहाँ से हम ऑपरेट करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे। ऑन ऑफ स्विच से हमारा कहाँ जाएगा, ओवरऑल रिले में, ओवरऑल रिले से कहाँ जाएगा इसके ए वन में, ए वन से दो लूप हो गया हमारा। ये जो कॉन्ट्रेक्टर है इसका क्या है, ये हमारा ऑनड्यूलेट कॉन्ट्रेक्टर जो है इसके ऊपर लगेगा कॉन्ट्रेक्टर के, ये बैठ गया, हमारा फिर इसके एनसी से कहाँ गया, स्टार के एनसी में, स्टार के एनसी से इसके ए वन में, फिर इसके एनओ से स्टार के एन में इसके ए वन में गया, ताकि ये हमको जो है समझ में आ जाए। तो मैं अभी आपको इसको ऑपरेटिंग करके बताता हूँ ये हमारा सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले जो है मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन हो गया। अब मैं इसको सिलेक्टर स्विच को ऑन करता हूं, देखिए ये क्या हो गया, अभी स्टार में आ गया। हम इसको छोड़ देते हैं, इट ऑन डिले टाइमर, हमने जितने डिले टाइमर में सेट किया हुआ है वो टाइमर जैसे ही एक्टिव होएगा डेल्टा में आ गया। अब देख सकते हैं ये अभी क्या हो गया, डेल्टा में ऑन हो गया, स्टार ऑफ हो गया। फिर इसको ऑफ कर देते हैं, ये ऑफ हो गया। हम जैसे ही इसको ऑन करेंगे ये क्या हो गया, स्टार में ऑन हो गया, ये स्टार वाला इंडिकेशन चालू हो गया। जैसे ही ये टाइमर हमने जितने में सेट किया है, टाइमर जैसे ही एक्टिव हो जाएगा तो क्या हो गया, डेल्टा में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है स्टार और डेल्टा का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको ड्राइंग के जरिए से जो समझा ना, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने वायरिंग भी करके प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा दिया कैसे इसका होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को जो है लाइक
लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मैं कोई सा भी वीडियो बनाऊं नया तो आपके पास जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखिए इसको ऑन करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो गया और उसके साथ में स्टार कॉन्टैक्टर भी ऑन हो गया। जैसे ही हमारा टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा, मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया कैसे पता चला, ये देखिए टाइमर ऑन हो गया तभी तो मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन है, तो अभी डेल्टा में शिफ्ट हो गया। तो ऐसा होता है स्टार और डेल्टा का कनेक्शन। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।